everyone, I am Shriniketan from Class 6. Today, I would like to give a speech on Sir C.V. Raman. Sir Chandrasekara Venkata Raman, popularly known as Sir C.V. Raman, was born on 7th November 1888 at Tiruchirappalli, Madras Presidency, to Chandrasekara Ramanathan and Parvati Ammal. Raman was mainly known for his discovery on the field of light scattering. With the student K.S. Krishnan, he discovered that when light traverses through transparent material, some of the reflected light changes wavelength and amplitude. This phenomena was of new type of light scattering was termed as the Raman effect. Raman was honored with many honorary doctorates and membership of scientific society. He was the president of 16th session of Indian Science Congress in 1929. He went to serve as the first Indian director of Indian Institute of Sciences in 1933. He retired 15 years later and established Raman Research Institute, which he led until the end of his days. In 1930, he was awarded the Nobel Prize for the discovery of scattering of light. In 1954, he was awarded the Bharat Ratna Prize, and in 1957, he was awarded the Lenin Peace Prize. India celebrates National Science Day on 28th February on every year on the memory of Sir C.V. Raman. Thank you. किसने खोजा हमें बताए कौन, एडिसन ने बल्ब बनाया ग्राहम बेल ने फोन, पपैये को किसने खोजा हमें बताए कौन, राइट ब्रदर्स ने खोजा जहाज, हेनरी फोर्ड ने कार, स्टीवेंसन ने था क्या ट्रेन का आविष्कार, राइट ब्रदर्स ने खोजा जहाज, हेनरी फोर्ड ने कार, स्टीवेंसन ने था क्या ट्रेन का आविष्कार, मैरकोनी ने की रेडियो वायरलेस की खोज, मैकोनी ने की रेडियो वायरलेस की खोज, टेलीविजन किसने खोजा जिसे देखते रोज, एडिसन ने बल्ब बनाया ग्राहम बेल ने फोन, पपैये को किसने खोजा हमें बताए कौन, गैलीलियो ने खोजा टेलीस्कोप जो है दूरबीन, खगोल शास्त्री खोजे जिससे तारे एक दो तीन, खगोल शास्त्री खोजे जिससे तारे एक दो तीन, एडिसन ने बल्ब बनाया ग्राहम बेल ने फोन, पपैये को किसने खोजा हमें बताए कौन। हेलो एवरीवन, आई एम एसजे अक्षय एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ बोसॉन साइंस क्लब लोगो। एज यू कैन सी द बोसॉन साइंस क्लब लोगो रिप्रेजेंट्स एन ईगल। व्हाई ईगल, व्हाई नॉट एनी अदर एनिमल और बर्ड? लेट मी गिव यू द आंसर। Eagle is the king of skies. As a human, it is often hard to soar like an eagle, to aim high, to do something big. Eagles are sign of power, ability, vision, and speed. Our Boson Science Club aims towards something big. We are a sign of power, ability, vision, and speed that we would go to any extent to make science innovative, interactive, make children understand science in a better way. It is through these similarities that I had asked my team to make our logo as something that would stand on its own and determine the ability of an eagle. Thank you. Boson Science Club since 2016. खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। आसपास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, किस
रहती है। रहस्यमय अद्भुत भयकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विभ्रम छूटे खुले जब उसका राज। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। बहता पानी कैसे उड़कर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से कैसे फसलें लहलहाए, चारा खाकर गोबर बनता गोबर का फिर खाद, जब मिट्टी में खाद मिले तो खिले फसल का स्वाद। ऐसे ही जीवन का पहिया घूमे चक्राकार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। जीव हो या सागर की महाकाय सी भेल, परमाणु हो ब्लैक होल हो या लहरों का खेल, जिज्ञासा की डोर बांध कर जब हम कूद पड़े, प्रज्ञा के ये पंख खोल कर सच की ओर बढ़े, इस दृष्टि से देखोगे तो लगे अलग संसार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। प्रज्ञा के ये पंख खोल कर सच की ओर बढ़े, इस दृष्टि से देखोगे तो लगे अलग संसार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। When you meet obstacles with gratitude, your perception starts to shift. Resistance loses its power and grace finds a home within you. No matter what may be the circumstance, keep the undercurrent of learning process going. Definitely, the credit of holding our minds in academics and sustaining our enthusiasm through various co-curricular activities through digital media is not simple. On this moment, I take the behalf of all my Sagarites to wish all my teachers a big thank you. I am Rahul Sapnastan. Today, I take this opportunity to welcome you all to the Virtual Science Fest conducted by the Boson Science Club, where the students of Class 3 to Class 10 have performed various experiments and have made various science models. So here we go on a science tour. The videos of the Science Fest are going to commence in the next part of the video. Kindly like and share this video and don't forget to subscribe to our Boson official YouTube channel.